हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के बारे में। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज करता है, कितने दिनों का यूज करता है, यूज करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन डाल के और किस प्रकार काम करता है और इसका डोसेंस कितना होना चाहिए, तो पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट की या आप ही आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास कैप्सूल है उसकी एमआरपी 99। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल को मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से पेंटोप्रोजल्स, गैस्ट्रो रेसिस्टेंस एंड डोमप्रिडोनस कैप्सूल इसके अंदर डाले गए हैं। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के अंदर दो मॉलिक्यूल डाले गए जिसका नाम है पेंटोप्रोजल्स एंड डोमप्रिडोन कैप्सूल इसके अंदर डाले गए हैं। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, एसिड रिफ्लक्स और पेप्टिक अल्सर डिसीज के इलाज के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह कैप्सूल एसिडिटी के लक्षणों जैसे कि अपच, छाती में जलन, पेट में दर्द और जलन से राहत देकर काम करती है। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल पेट में एसिड को बेअसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस बाहर निकालने में मदद करता है। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल्स ट्रीटमेंट करती है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, एसिड रिफ्लक्स और ट्रीटमेंट करती है पेप्टिक अल्सर डिसीज के इलाज के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल का डोसेंस की बात करें तो इसका डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोसेंस कितना होना चाहिए। और इसका डोसेंस नॉर्मल तौर पर हाफ एन आवर बिफोर मिस रहता है, यानी कि कैप्सूल को खाने के आधे घंटे पहले ही कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की दीर्घ में इस्तेमाल करें। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है डायरिया, दस्त होना, मुंह में सूखापन होना, चक्कर आना, हेडेक होना, तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की दीर्घ में इस्तेमाल करें। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, यानी हाउ टू वर्क्स पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के अंदर दो मेडिसिन रहती है, यानी कि डोमप्रिडोन और पेंटोप्रोजल्स। डोमप्रिडोन एक प्रोकिनेटिक्स है जो पेट और हाथों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से पर काम करता है, जिससे भोजन बहुत आसानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चलाया जाता है। पेंटोप्रोजल्स एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीए है, जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है और एसिड से संबंधित अपच और हार्टबर्न से राहत मिलती है। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।